भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही है और आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा आगामी 19 व 20 सितंबर को शिमला के पीटर हॉफ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस कार्य समिति की बैठक को लेकर शुक्रवार को शिमला में दीप कमल में एक बैठक आयोजित की गई। भाजपा द्वारा आगामी 19 व 20 सितंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय दीप कमल में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक राजीव सैजल ने की। इस मौके पर राजीव सैजल ने बताया कि बैठक में सभी समितियों से कार्य समिति को लेकर सुझाव लिए गए हैं और उनकी समीक्षा की गई। कार्य समिति में लगभग 350 डेलीगेट भाग लेंगे। कार्य समिति में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के बाद सभी जिलों एवं मंडलों में कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर विशेष चिंतन हुआ। संविदित है कि 19 और 20 तारीख को शिमला में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति होने जा रही है और पूरे प्रदेश भर से इसमें डेलीगेट्स जो हैं वो हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा अभी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होनी है प्रत्येक राज्य में, उसके बाद जिले की कार्य समितियाँ, उसके बाद मंडल की बैठकें, ये क्रम है। अब 19 को और 20 को जो ये कार्य समिति दो दिवसीय जो ये कार्य समिति यहाँ पर होने वाली है, उसके निमित्त विभिन्न विभाग व्यवस्था के नाते जो पार्टी ने बनाए हैं उन सभी विभागों के प्रमुखों को आज बुला करके और प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों की जो है समीक्षा जो है उस नाते ये बैठक आज यहाँ पर बुलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।